ये तस्वीर तो आपको याद ही होगी। हाथ में फाइल लिए हुए शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी से अचानक मिलने पहुंचे थे, और जब शरद पवार बाहर निकले तो उन पर सवालों की बौछार की बारिश कुछ इस कदर हुई कि शरद पवार ने ये कहकर सिर्फ मामला रफा दफा कर लिया कि किसानों के मुद्दे पर ही बात हुई है, लेकिन कोई कहां मानने वाला था। सभी का यही कहना था कि अंदर ही अंदर कुछ तो खिचड़ी पकी थी, लेकिन हाँ, खिचड़ी तो पकी थी मगर अध पकी ही रह गई, क्योंकि शरद पवार ने सीधे सीधे ऑफर जो ठुकरा दिया था, ऑफर ये कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते थे कि महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ बीजेपी सरकार बनाए। जी हाँ, महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बीजेपी अंदर ही अंदर कोशिश कर रही थी। इस बात का खुलासा एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक मराठी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में किया है। शरद पवार ने साफ शब्दों में कहा कि मुलाकात के बाद जब मैं जा रहा था तो पीएम मोदी ने उनसे कहा था कि बेटी सुप्रिया को मंत्रिमंडल में जगह दे देंगे और महाराष्ट्र में साथ काम करेंगे। लेकिन शरद पवार तो शिवसेना को वचन दे चुके थे, अपने वचन पर कायम रहे और गठबंधन शिवसेना कांग्रेस के साथ ही किया। अब महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव ठाकरे का राज है। वैसे बीजेपी की मंशा तो उस समय ही समझ आ गई थी जब प्रधानमंत्री मोदी ने शरद पवार के लिए नरम रुख अख्तियार किया था। प्रधानमंत्री मोदी शरद पवार पर कुछ भी बोलने से बचते रहे थे। यहाँ तक सदन में प्रधानमंत्री मोदी ने शरद पवार की तारीफ की थी। मैं दो दलों का आज मैं उल्लेख करना चाहूंगा, एक एनसीपी और दूसरा बीजेडी, और किसी का नाम छूट जाए तो मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं दो का उल्लेख कर रहा हूं। इन दोनों दलों की विशेषता देखिए, उन्होंने खुद ने डिसिप्लिन तय किया है कि हम वेल में नहीं जाएंगे। हम सभी राजनीतिक दलों को सीखना होगा, इंक्लूडिंग माय पार्टी, हम सबको सीखना होगा कि ये नियम का पालन करने के बावजूद भी न एनसीपी की राजनीतिक विकास यात्रा को कोई रुकावट आई है, न बीजेडी की राजनीतिक विकास यात्रा को रुकावट आई है। मतलब वेल में न जाकर के भी लोगों के दिल जीत सकते हैं। अब पता चला कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी क्यों शरद पवार की तारीफ कर रहे थे। दाल में कुछ तो काला था, उसी समय लग गया था, लेकिन अफसोस दाल गल नहीं पाई। ऐसे ही नहीं, शरद पवार की तारीफ की जा रही थी, वो तारीफ तो सत्ता हासिल करने के लिए थी, लेकिन फिर भी दोनों हाथ बीजेपी के खाली रहे। शरद पवार ने सत्ता तो हथियाने नहीं दी बल्कि पोल और खोल कर रख दी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।